तो कल हम लोगों ने इस लेक्चर का असाइनमेंट लिया था। हम लोगों ने साइंस ऑफ बिहेवियर पर डिस्कशन किया था, व्यवहार के विज्ञान, उसको लेकर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट लिया था। तो जो इसकी मूल बात है ज्ञान, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो हम लोगों ने मानव का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण का ज्ञान, इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। फिर इसके आधार पर मानव लक्ष्य कैसे निश्चित होता है विवेक के रूप में, उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने विज्ञान को एक एक करके देखना समझना शुरू किया था। विज्ञान का मतलब है कि एक बार मेरे अंदर ज्ञान स्थापित हुआ, लक्ष्य निश्चित हुआ, उसके आधार पर फिर मैं उस लक्ष्य को पूरा करने के अर्थ में योजना बनाता हूँ, कार्यक्रम बनाता हूँ, क्रियान्वयन करता हूँ, उसके फल परिणाम को देखता हूँ, उसका मूल्यांकन करता हूँ, मूल्यांकन के आधार पर फिर से मैं योजना बनाता हूँ और एक अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। ये विज्ञान का भाग है। तो उसी क्रम में हमने व्यवहार के विज्ञान पर चर्चा की थी। तो उसमें यदि कोई नया मुद्दा ध्यान में आया हो तो कैसे हम व्यवहार में उभय सुख सुनिश्चित करें, तो आप पाएंगे कि ये आपके एंड पे इसमें बहुत सारा कुछ करना होगा। इसमें प्रस्ताव के रूप में बात थोड़ी सी है, जो मूल तत्व है वो सामने आ गई, चिंतन के जो भाव हैं, मूल्य हैं, वो हमारे सामने आ गए, हमने उनको समझना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। अब जिस भी देश काल स्थिति में रह रहे हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में है, उसके अनुसार हम उसका विज्ञान तय करते हैं। हम परिवार में रह रहे हैं तो परिवार में कैसे सबके साथ उभय सुख हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कॉलेज में कैसे सबके साथ उभय सुख हो, हम सोसाइटी में किसी और डायमेंशन में काम कर रहे हैं कैसे वहाँ सबके साथ उभय सुख हो, ये फिर हमारा अपना विज्ञान होता है। वहाँ पर हम वहाँ पे लोगों की स्थिति का आकलन करते हुए विश्वास के भाव के साथ उनके साथ योजना बनाते हैं। कॉलेज में है तो क्यों ना वर्कशॉप रख लिया जाए, रेगुलर वर्कशॉप हो, 3 डेज के हों, 5 डेज के हों, 6 डेज के हों, ऐसी योजना बनाते हैं। फिर उसके आधार पर हम कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि लोगों को कितनी बात पहुंची। तो वर्कशॉप तो हमने रख लिया, बट हो सकता है लोग मोबाइल लेकर बैठे रहे, ध्यान से सुना नहीं, तो फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर तय करते हैं कि अगली बार जब वर्कशॉप होगा तो इसमें ये नियम बनाए जा सकते हैं ताकि लोग वर्कशॉप करें और मोबाइल लेकर ना बैठे, या वर्कशॉप करें तो उनको कोई दूसरा ऑफिशियल काम ना दिया जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रिकर्सिव प्रोसेस की तरह बार बार हम योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, और हर बार देखते हैं कि फल परिणाम जैसा हमने सोचा था वैसा आया कि नहीं। तो एक तरीके से देखें तो जब हम लोगों ने समाधान की बात की थी तो हमने जो विवेक में निश्चित किया उसको जाकर मानवीय परंपरा में मूल्यांकन करते हैं और वहां से उसका अनुरूप हुआ कि नहीं, जो फल परिणाम आया फाइनली वो उसकी अनुरूपता है कि नहीं, और ये अनुरूपता हम उसके बीच के स्टेप्स में भी देखते हैं। तो जो हम व्यवहार भी कर रहे हैं, व्यवहार जिस तरह से फैल रहा है उसे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो रही कि नहीं, कार्य कर रहे हैं कार्य जिस तरह से हमारा बढ़ रहा है उसे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो रही कि नहीं, तो अल्टीमेटली जाकर वो मानवीय परंपरा में एक इसमें निश्चितता निरंतरता दिखाई देती है। बट उसके पहले भी हम बार बार उसको मूल्यांकित करते हैं, है ना। जैसे हम लोग कई बार पढ़ते पढ़ाते हैं मैनेजमेंट में भी, प्लान डू चेक एक्शन, तो प्लान करते हैं फिर उसको क्रियान्वित करते हैं फिर चेक करते हैं फल परिणाम को, फिर इसके आधार पर सुधार के जो कार्यक्रम है उसको तय करते हैं। इसी प्रकार का कार्यक्रम हम विज्ञान में कर रहे होते हैं। तो व्यवहार के विज्ञान में देखें तो कैसे हमारे व्यवहार में उभय सुख हो, ये हम अपने आप में निश्चित कर सकते हैं। और इसको हमको एक एक संबंध को लेकर विचार करना होगा उसके ऊपर, स्पाउस के साथ कैसे संबंध में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो, है ना। जितना भी समय लग रहा है उस समय को कैसे हम और फ्रूटफुली लगाए, कैसे हम मीनिंगफुली लगाए, बच्चे के साथ कैसे रिलेशन में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो, मित्र के साथ, सगे संबंधियों के साथ, जो हमारे को वर्कर्स हैं उनके साथ, तो इन सबको अपने आप में वर्कआउट करने की जरूरत है। तो असाइनमेंट में ये था कि एक तो हम ये देखें कि आज के दिन जिसे हम विज्ञान कह रहे हैं उस विज्ञान की जो वस्तु है, और अभी हम जिसे विज्ञान कह रहे हैं इसमें जो वस्तु है, ये दोनों एक ही है अलग अलग है, क्या लगता है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अभी जिसे हम प्रचलन में विज्ञान कह रहे हैं, जिसको हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, और अभी जिसे विज्ञान कह रहे हैं चर्चा में इस लेक्चर में, ये दोनों एक ही अलग अलग है, क्या लगता है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो इसमें विज्ञान के मूल में देखिए तो ज्ञान और विवेक है,
यहाँ पे हम सिंपली भौतिक रासायनिक वस्तुओं का, उनके रूप गुण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रयास वहाँ भी है कि हम उसके रूप गुण का अध्ययन करते हुए प्रकृति के नियमों को समझ पाए, है ना। बट चूंकि चैतन्य की समझ नहीं बन पाती, चूंकि शून्य की समझ नहीं बन पाती, इसलिए हम जो भी नियम बनाते हैं या नियम को समझने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं अपूर्ण रह जाता है। जी, एक तो ये बात। दूसरी बात कि अभी हम व्यवहार के विज्ञान को लेकर, भागीदारी के विज्ञान को लेकर चर्चा नहीं करते आमतौर पर, कार्य के विज्ञान को लेकर, कार्य में भी सुविधा के विज्ञान को लेकर, सुविधा के भी रूप गुण के विज्ञान को लेकर चर्चा करते हैं। तो लिमिटेड है अभी जो स्कोप है, करेंट साइंस में लिमिटेड है, उसको फैलाने की जरूरत है। वैसे ही हम अपने व्यवहार में देखें कि अभी हम जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, समझ होती है, संबंध में भाव होते हैं या सुविधा होती है। ये जो व्यवहार में उभय सुख फलित नहीं होता तो हमको कहाँ कमी दिखाई देती है, कहाँ हम काम करते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं, और संबंध के निर्वाह में सुविधा का क्या रोल है, कोई रोल है या नहीं, है तो किस प्रकार है। फिर वैसे इसको फैला के देखें तो परिवार से विश्व परिवार व्यवस्था तक हमारी एक निश्चित भागीदारी है और उसमें शिक्षा का एक निश्चित रोल है। तो क्या अभी की शिक्षा उसको पूरा कर पा रही है, या उसमें कुछ चीज़ों को समावेशित करने की, या कुछ चीज़ों को मूलचूल रूप से बदलने की जरूरत है ना। तो अगर हमको ये बात स्पष्ट हो जाए तो हम उस पर और काम कर सकते हैं। इस क्रम में हम सभी भागीदारी भी कर रहे हैं, इस क्रम में हम सभी अपने आप में भी काम कर रहे हैं। तो अभी देखिए जो सुबह का सत्र चल रहा है उसमें जो बेसिक पर्पज है वो तो सेल्फ डेवलपमेंट है, कि हमारे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो जाए। फिर हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टीम्स बनते जा रहे हैं, हम एज ए टीम काम कर रहे हैं और हम इस मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सहभागी हैं, सहकारी हैं। तो वहाँ पे टीम डेवलपमेंट हो रहा है। इस टीम में भी काम करते हुए जो हमको दूसरों से फीडबैक मिलता है, हमारे व्यवहार का, हमारे कार्य करने के तरीके का, उससे हम अपना फिर से मूल्यांकन करते हैं, एज ए टीम काम कर रहे हैं। और अल्टीमेटली काम क्या कर रहे हैं, तो सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, समाज के विकास के लिए। समाज के विकास के लिए अभी हम जिस डायमेंशन में लगे हैं, जिसके लिए है ना अभी सारा करिकुलम डेवलप हो रहा है, कोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, तैयारी हो रही है, वो मुख्य रूप से शिक्षा है। शिक्षा एक मौलिक कार्यक्रम है समाज का, क्योंकि शिक्षा से ही व्यक्ति में समझ सुनिश्चित होती है और समझ ही पहली वरीयता है। तो शिक्षा पर अगर ठीक से काम हो तो बाकी आयामों पर भी काम हो सकता है। जो मजदूर काम करने जा रहा है खेत में उसको भी सही शिक्षा मिले, जो लेबर काम करने जा रही है फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री को चलाने वाला है ना, जिसका प्रबंधन करने वाला है, जो निकल कर कोई अन्य दिशा में उत्पादन करने वाला है, जो कोर्ट कचहरी में जाने वाला है, कोई जेल चलाने वाला है ना, इन सबको सही शिक्षा की वस्तु मिले। और वो शिक्षा से ही पॉसिबल है, क्योंकि जो 18 साल 20 साल हम लगाते हैं, अगर उसमें सही इनपुट मिले। और अगर आप देखें तो शिक्षा में दो भाग है, एक भाग है जहाँ हम सही समझ को इंश्योर कर रहे हैं, सही भाव को इंश्योर कर रहे हैं, दूसरा जहाँ हम स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, स्किल्स को सिखा रहे हैं। तो ये सही समझ सही भाव को इंश्योर करने के लिए जो मेरा प्रयास है वो एक व्यवहार ही है। हम क्लास में जाकर व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, है ना, और जो इनपुट देते हैं हम उसमें सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, कार्य के बारे में बात करते हैं, बट उस समय जो मैं कर रहा हूँ क्लास में वो व्यवहार है। तो हम मेरा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे अंदर उन बच्चों के विकास के प्रति कितनी निष्ठा है, उन बच्चों के बारे में मैं कितना सोच पाता हूँ, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनको मैं अपने संबंध में कितना स्वीकार पाता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यवहार में चूक हो रही है क्लास में तो हम जो इनपुट दे रहे हैं वो बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं, या बच्चा कार्य वाले भाग को तो सीख लेगा, सुविधा वाले भाग को तो पकड़ लेगा, बट हमारे साथ संबंध महसूस नहीं करेगा। और जो संबंध महसूस नहीं करेगा तो संबंध में जो उसके अंदर विकास होना था, जो हो सकता है घर में शेष रह गया, कॉलेज में, स्कूल में अवसर मिला, वो भी शेष रह जाएगा। तो अल्टीमेटली संबंध जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसका तो विकास हुआ ही नहीं उसके अंदर। तो कार्य तो कर पाएगा, सुविधाएं तो जुटा लेगा, पैसा तो कमा लेगा, पर तो संबंध में भाव तैयार नहीं हो पाएंगे। और यदि समझ पे हमने नहीं काम किया तो और भी महत्वपूर्ण मुद्दा शेष रह गया। तो शिक्षा एक अनिवार्य भाग है, और शिक्षा में जो हम काम कर रहे हैं बच्चों के साथ वो एक व्यवहार ही है। उसमें देखना बनता है कि उभय सुख हो रहा है कि नहीं, उसमें देखना बनता है कि अगले बच्चे में समझ सुनिश्चित हो रही है कि नहीं। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं अपने ध्यान देने के लिए, है ना, व्यवहार के विज्ञान को लेकर।
जी भैया, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी हम बहुत सीमित देख पाए हैं, और वो भी हम ज्यादातर ये दिखता है कि सुविधा को लेके ही दिख पाए हैं। तो नेचुर जितु भी विज्ञान का अभी आविष्कार हुआ, वो या तो मानव के लिए एक किस्म से हमने मानव को ही संघर्ष की ओर ढकेला है, उसके लिए मानव को मारना है, ऐसी ही हमारे अंदर भाव चलता रहा। दूसरा ये है कि नेचुरल रिसोर्सेस को अपनी सुविधाओं के लिए, नेचुरल रिसोर्सेस को बगैर समझे हुए, उसके नियमों को समझे बगैर समझे हुए हमने उसका भी बेतिहाशा जो है वो दुरुपयोग किया। चाहे हम समुद्र ले लें, चाहे आकाश ले लें, चाहे धरती ले लें, सब जगह हमने जो भी साइंस डेवलप किया वो हमने कहीं ना कहीं सही समझ के आधार पर नहीं किया। और संघर्ष की शिक्षा ही ज्यादा दिखती है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, विरोध। अब ये जो शिक्षा बात कर रही है मूल्य की, वो जैसे जैसे मनुष्य में आ रही है, तो छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान जा रहा है। अभी हम लोग ही अगर देखें तो घर के अंदर एक बच्चे से हम क्या बात कर रहे हैं, बात करने से पहले कहीं मैं भेद की बात तो नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल बारीक से बारीक चीज पर ध्यान जाने लगा है। और ये ध्यान जैसे जैसे जा रहा है, वैसे वैसे अपन देख रहे हैं कि घर में एक खुशहाली का, एक संतुलन का वातावरण बन रहा है। अन्यथा तो घर में ही ऐसे विरोध उत्पन्न हो रहे हैं, जो पिता, कल ही मैंने एक उदाहरण दिया था कि घर में, हमारे ही परिवार में, सिर्फ जहां संपत्ति की चर्चा हुई है वहां एक मैं भी था। तो वो जब बीमार पड़े और किडनी के पेशेंट बन गए, तो उनने बच्चों से अपेक्षा की कि भाई कुछ हम पर इन्वेस्ट करो, हमारा स्वास्थ्य दिखाओ। तो तब वो भी वही बात कर रहे थे जो पिता ने की, और अंततः वो किडनी से डेथ हो गई उनकी, और उनने दिखाया तक नहीं। तब मुझे एक बात क्लिक की कि हम जो बो रहे हैं वो हमको पता नहीं होता, और जैसे जैसे हम होश में आएंगे तो हमें पता होगा कि हम दूसरे मानव से जो व्यवहार कर रहे हैं वो सही समझ के आधार पर है, या हम बहुत ही सीमित में सुविधाओं को लेके कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो भैया, ये जो आप गहरी बात कर रहे हैं विज्ञान के बारे में, व्यवहार, कार्य, नेचुरल रिसोर्सेज की समझ, ये बहुत ही गहरा बात जाएगी, और जैसे जैसे जाएगी तो चूंकि ये हमारे इनर से भी जुड़ी हुई है, वो जहाँ कनेक्ट हो जाएगी फिर हम वही करेंगे जो जो नेचुरल रूप से भी सही है, जो प्रकृति सहज है, और जो हमको आनंद देगा। भैया, इतनी ही बात करूं। बढ़िया भैया, ये जो विचार के विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान, कार्य के विज्ञान जो कह रहे हैं, और अभी वर्तमान में जो विज्ञान का जो हमारा जो चल रहा है स्किल वाला पार्ट, तो मैं समझ रहा हूँ जिसको विचार के विज्ञान, व्यवहार के विज्ञान, कार्य विज्ञान जो कह रहे हैं, ये समझ की समझने वाला पार्ट, जो भाव वाला पार्ट, ये पार्ट कि अभी फिलहाल के वर्तमान विज्ञान में नहीं है। तो ये इसको इस ढंग से इसको अलग अलग करके समझ सकते हैं भैया। हाँ, तो विज्ञान को हम संपूर्णता में देखेंगे अच्छा, दोनों पार्ट को। जी। तो अभी वो भी उपयोगी है, जैसे अब ये मोबाइल बना, ये जूम ऐप बना, है ना, इतने सारे यंत्र बने, तो सुविधाओं का जिस प्रकार से अध्ययन किया गया है, उनके रूप गुण को जिस तरह से पहचाना गया है, तभी तो इतना सारा चीज हम बना पाते हैं, ठीक इतने बात उपकरण बना पाते हैं, साधनों को बना पाते हैं। ये आवश्यक तो है, परंतु जी, इसका सदुपयोग हो इसके लिए जरूरी है कि व्यवहार का विज्ञान निश्चित हो, जरूरी कार्य का विज्ञान निश्चित हो, भागीदारी का विज्ञान निश्चित हो, नहीं तो इसी ऐप को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, इसी मोबाइल को किस रूप में प्रयोग करेंगे, कहना निश्चित नहीं है। तो वो वाले भाग पे भी काम करना जरूरी है। एक बार हमारे अंदर मानव लक्ष्य पहले निश्चित हो जाए, जो भी करना है इसी लक्ष्य में करना है, इसी लक्ष्य के अर्थ में करना है, ठीक तब तो हम विज्ञान को ठीक ठीक दिशा में ले जा सकते हैं। बढ़िया जी, जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। आपको ध्यान होगा कि स्कूल में डिबेट कंपटीशन हुआ करते थे, और उसमें एक जनरल सा टॉपिक होता था, ये विज्ञान विकास की ओर ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है, और उस पर खूब डिबेट हुआ करते थे। तो
अल्टीमेटली अगर हम विज्ञान को ठीक से न समझें, अगर विज्ञान को सुविधाओं की पहचान तक ही सीमित कर दें, तब निश्चित नहीं है कि वो मानव लक्ष्य को पूरा करेगा कि नहीं। बट यदि मानव लक्ष्य अपने आप में पहले निश्चित हो ज्ञान के आधार पर और फिर हम सुविधाओं का अध्ययन करें तो उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है। व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, भागीदारी का भी अध्ययन करेंगे और भागीदारी को भी बढ़ते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक अध्ययन करेंगे। तो भैया इसमें जैसे विज्ञान कह रहे हैं तो ये B2 ब्लॉक माने चित्रण से लेके ये नीचे की क्रिया, इसको इतने को ही विज्ञान जो अभी अभी जो कह रहे हैं उसमें दर्शन में भी उसी बात को कह रहे हैं जी। तो विज्ञान कल्पनाशीलता में है, कल्पनाशीलता में है हाँ जी। और विवेक को कहेंगे तो ये साक्षात्कार बोध तक, हाँ उसमें चित्रण भी शामिल है, चित्रण भी शामिल है जी जी। तो चित्रण शामिल कहें कि उसको चित्त की क्रिया साक्षात्कार जैसे बोध कर रहे हैं तो चित्त शामिल है। अल्टीमेटली देखना है कि इच्छा के स्तर पर वो निश्चित होता है, लक्ष्य है ना, तो लक्ष्य इच्छा के स्तर पर भी निश्चित होगा जी। जब चिंतन में वो बात जाएगी तो चित्रण में भी आएगी। इच्छा के स्तर पर जो निर्धारण हो रहा है, जो निर्णय हो रहा है, उसको मानव लक्ष्य कह रहे हैं, उसको विवेक कह रहे हैं। तो इसमें चित्रण भी है जी। तो कुल मिलाकर चित्रण जो है विज्ञान में भी विवेक में भी दोनों में वो हाँ, जो चित्रित होगा उसी का आगे विज्ञान तैयार होगा, तो हाँ, भाव तो शामिल होगा, हमारे संस्कारों में जो परिमार्जन हुआ वो भी शामिल होगा। ठीक बात जी भैया, बढ़िया 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 भैया। तो ये हम सब जिस भी स्थिति परिस्थिति में है वहां हम इसको देखना शुरू करें, है ना। बहुत सारे जो हमारे कंसर्न्स होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं, जो उलझने होती हैं, वो इस संबंध के विज्ञान को कैसे ठीक से पूरा करें इसको लेकर होती हैं। इनके साथ कैसे संबंध में तृप्ति हो, उनके साथ कैसे संबंध में तृप्ति हो, अगला व्यक्ति नहीं सुन समझ रहा है, परिवार का हिस्सा है, इनके साथ हम कैसे योजना कार्यक्रम बनाएं, है ना, इसको लेकर हम बहुत सारा कुछ अपने आप में सोचते विचारते भी रहते हैं। तो हम उसको स्वीकारें भी कि हाँ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये लाइफ का, इसको तय होना जरूरी है। उसके अंडरलाइंग जो फीलिंग्स है उसका तय होना जरूरी है, उसके अंडरलाइन जो अंडरस्टैंडिंग है उसका तय होना जरूरी है। तो हम ऑलरेडी बहुत सारा समय विज्ञान में लगाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे तो ये पता चला विचार को तो देख पा रहे हैं, उसके पीछे भाव को नहीं देख पा रहे, और भाव के आधार में जो मान्यता उसको नहीं देख पा रहे। तो हम ऑलरेडी विज्ञान में बहुत कुछ कर रहे हैं, उसको हम देख भी पा रहे हैं, भाई उसमें निश्चितता निरंतरता हो जाए तो अच्छी बात है। तो आप पाएंगे कि हम ऑलरेडी विज्ञान के स्तर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, भले ही अभी विवेक निश्चित नहीं हुआ है, भले ही अभी ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ है, बट विज्ञान में बहुत सारा समय लगा ही रहे हैं। ठीक है, उसके प्रति अवेयर हो जाएं कि अभी हम किस प्रकार से योजना कार्यक्रम बनाते हैं, ये अवेयरनेस अगर हमारे अंदर हो गया तो उसके पीछे जो हमारे अंदर भाव बना हुआ है, जो हमने एस्पिरेशंस बनाए हुए हैं, उस पर भी ध्यान देंगे, उस पर भी काम करेंगे जी। तो लेक्चर 24 में हम लोगों ने व्यवहार के विज्ञान को लेकर बढ़िया चर्चा की, अब लेक्चर 25 में कार्य और भागीदारी के विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो अभी विज्ञान पर चर्चा हो रही है कि मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो जी। तो ये जो पहले भी ध्यान में आया था कि जो समझ और ज्ञान का मुद्दा है वो ब्लॉक B1 में निश्चित होता है, तो जिसके आधार पर मानव लक्ष्य की निश्चितता होती है तो हम स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित कर पाते हैं, विवेक को सुनिश्चित कर पाते हैं। फिर यदि हम विचार के आयाम में देखें तो विवेक के आधार पर जीते हुए कैसे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, है ना, ये सारा विज्ञान का मुद्दा है। तो इसमें देखेंगे तो पाएंगे कि भाव तो हमारा निश्चित है, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, सदुपयोग का भाव, ये भाव तो अपने आप निश्चित होते हैं, बट जब हम उसके आधार पर निर्णय लेने जाते हैं तो उसमें देश काल दिशा के अनुसार हम भिन्न भिन्न प्रकार से निर्णय लेते हैं, उसमें आप पाएंगे वेरिएशन होगा, वो सब्जेक्टिव होगा, जिसकी परिस्थिति में उसके अनुसार निर्णय लेंगे। तो विज्ञान वाले भाग में आपको एक भाग जो मूल में है भाव का, संस्कार का, वो तो अपने आप निश्चित दिखाई देगा, परंतु जो निर्णय लेने वाले हैं वो तो समय परिस्थिति के अनुसार लेने वाले हैं, तो उसमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा। फिर जब हम व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा आपको वैरायटी दिखाई देगी, क्योंकि वो तो फिर उसी व्यक्ति के साथ है ना, एक ही बात को, एक ही भाषा को तो बार बार नहीं बोलेंगे। भाव निश्चित है, भाव के आधार पर हमारा विचार निश्चित हो पा रहा है इस सीमा में कि अल्टीमेटली क्या कम्युनिकेट करना है, जो भी करना है वो भैसुक अर्थ में करना है।
बट जब हम वो बात कह रहे हैं तो बात तो हर बार नए ढंग से कहेंगे, तो उसमें पूरी वैरायटी होगी, उसमें कई क्रिएटिविटी भी होगी। एक ही बात को कैसे कहा जाए कि अगले को समझ में आ जाए। कई बार आप अगर वर्कशॉप ले रहे हैं तो आपको दिखता है किसी ने कोई प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया और अगले को बात नहीं पहुंची और काफ़ी लंबी चर्चा हुई, फिर आप उसे जाकर सोचते हैं कि कैसे मैं ये बात रखता कि व्यक्ति को क्लिक कर जाता। तभी क्या कर रहे हैं हम, उसके विज्ञान पे काम कर रहे हैं कि व्यक्ति को क्लिक कर जाए, व्यक्ति को बात समझ में आ जाए, तो इसके अनुसार हम बात रख रहे हैं। तो व्यवहार में वो बात जारी है, वैसी कार्य की बात है। हम कोई यंत्र बना रहे हैं और यंत्र ठीक से नहीं काम कर रहा, तो उसमें हम और विचार लगाते हैं कि कैसे ठीक से काम करें और फिर उसको हम ऐसा कर पाते हैं। तो एक्सप्रेशन वाले मामले में देखेंगे तो बहुत वैरायटी होगी, उसका जो पीछे विवेक है उसमें कम वैरायटी होगी, और जो ज्ञान है वहाँ कोई वैरायटी नहीं है, अनिश्चित है। तो अगर हम विज्ञान को देखें तो जो एग्जिस्टेंस है वो को एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व है मतलब इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं, जो नेचर है वो हार्मनी में है और नेचर की हर इकाई स्वयं ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, और इस प्रकार हर इकाई स्वयं में व्यवस्था बनी रहते हुए अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदार है। इसी प्रकार से हमको प्रकृति में संबंध दिखाई देते हैं, तो संबंध को देखें तो मानव का संबंध है और मानव शेष प्रकृति का संबंध है। तो मानव संबंध को ही हम जब निर्वाह कर रहे हैं उसको व्यवहार का, मानव शेष प्रकृति संबंध को निर्वाह कर रहे हैं तो उसे कार्य का। तो इसी के हम डिटेल्स पे अभी हम बात करने वाले हैं। तो मानव लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आगे चलते हैं। तो व्यवहार का विज्ञान है, कार्य का विज्ञान है, भागीदारी का विज्ञान है। तो व्यवहार का विज्ञान में हम ये बात जैसा डिस्कस किए, उभय सुख कैसे हो, इसके पूरे हम योजना कार्यक्रम की बात करते हैं और वो कैसे हमारा व्यवहार परिवार से लेकर विश्व परिवार तक इस विधि से हो कि उसमें एक व्यवस्था निकल कर आए। वैसे ही कार्य का विज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो अभी सुविधाओं को लेकर काम कर रहे हैं तो पहली बात है कि हमको सुविधाओं की आवश्यकता स्पष्ट है कि नहीं। सुविधाओं की आवश्यकता तब ठीक से स्पष्ट होती है जब मैं और शरीर का सहअस्तित्व ठीक से स्पष्ट होता है। और सुविधाओं में भी हम देखें तो हम अल्टीमेटली जो कार्य करने वाले हैं उसे सुविधा का संवर्धन हो पा रहा है कि नहीं, संरक्षण हो पा रहा है कि नहीं, सदुपयोग हो पा रहा है कि नहीं, इस बात को अपने आप में मूल्यांकित करते हैं। एक तो मुझे मैं और शरीर का ज्ञान ठीक से है कि नहीं, उसके आधार पर मेरे अंदर सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो पा रही कि नहीं। तो जब सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाते हैं तो लक्ष्य से जुड़ता है वो, तो हम इस विधि से इसको पूरा करेंगे जिससे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो। फिर उसके विज्ञान पे काम करेंगे जो कैसे हो, उत्पादन कैसे हो, उसका संरक्षण कैसे हो, सदुपयोग कैसे हो, और सारा कुछ अभी हम देखें किसी रूप में हम कर भी रहे होते हैं ना, इसको समझ के करते हैं तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। तो कैसे हम परिवार में समृद्धि को भी सुनिश्चित कर पाए और शेष प्रकृति को भी समृद्ध बना पाए। हमारा कार्य वहां पूरा नहीं हो जाता जहाँ पे सिर्फ परिवार की आवश्यकता पूरी हो गई। अभी दिख रहा है ना कि बारिश हुई और ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हमने अपने लिए मकान बना लिए, अपने लिए सुविधाएं जुटा ली और हमको लगता है वाह तो हम समृद्ध हो गए, हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। एक बारिश आई और घर बहने लगा, तो अल्टीमेटली जो प्रकृति के साथ संवर्धन संरक्षण होना था उसको हमने नहीं किया ना, उसमें फल परिणाम तो हमें भुगत रहे हैं कि नहीं, ये पहाड़ों में क्यों इतना भूस्खलन हो रहा है, क्यों नदियों का पानी, एक समय तो ऐसा है कि नदी नाला बन जाता है ना गंदगी से, और एक समय ऐसा है कि नदी में बाढ़ आई और पूरा शहर और गाँव ही डूब गया। तो यानी हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय प्रकृति की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, तभी ऐसा हो रहा है और फल परिणाम हम ही भुगत रहे हैं। हम अपनी सुविधा की आवश्यकता का आकलन करते हैं और हमको एक सीमा में लगे भी कि हाँ पर्याप्त हो गया ठीक है, बट हमने यदि प्रकृति का ध्यान नहीं रखा तो जो पर्याप्त की सीमा है वो तो कभी वॉयलेट हो गया। अब घर हमने बनाया, मेहनत से बनाया है ना, अपनी पूंजी लगाई, सबने श्रम किया ठीक, बट हमने नदी के साथ जो संबंध है उसको नहीं देखा, बाढ़ आया नदी में घर बह गया, तो ऐसा क्यों हो गया, उसके लिए हम भी कहीं जिम्मेदार है नहीं है, क्या लगता है?
अपना घर बनाने के लिए हमने नदी को तो नाला बना दिया, अब जब उस नाले में तूफान आ गया तो है ना घर में पानी घुस गया और इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो गई। तो हमको दिखाई दे कि ये भी हमारी ही भागीदारी का परिणाम है जो हो रहा है। मैं अपनी भागीदारी को सिर्फ उस सीमा में नहीं देख सकता जहाँ मेरा घर तैयार हो गया, जहाँ मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो गई, जहाँ कपड़े लत्ते की व्यवस्था हो गई। ये जो शेष प्रकृति है जिसमें नदी है, हवा है, पहाड़ है, पशु पक्षी हैं, इनके साथ ही संबंध है। अगर हम उसको पहले से ही समझकर पूरा नहीं करेंगे ठीक से तो अल्टीमेटली हम ही सफर करेंगे। कल चर्चा हो रही थी ना स्नेह और अफेक्शन और लव के बारे में, तब वो प्रश्न बना था अफेक्शन और ओवर इवैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप में क्या फर्क है, वो नहीं समझ में आ रहा। जी जी, बेसिकली अफेक्शन और अटैचमेंट जो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं अफेक्शन रखता हूँ, तो अफेक्शन में क्या होता है कि हम दूसरे का राइट इवैल्यूएशन कर पाते हैं, उस राइट इवैल्यूएशन के साथ हम दूसरे को डेवलप करने के लिए संबंध को स्वीकार पाते हैं। अटैचमेंट में ऐसा नहीं है, अटैचमेंट शरीर के आधार पर, सुविधा के आधार पर है ना, मान्यता के आधार पर हो सकता है। अगले की मान्यता मुझसे मेल खा गई तो अटैच हो गए, सुविधा के बारे में जो लाइक डिसलाइक है वो मैच खा गए तो हम मैच कर गए तो हम अटैच हो गए, शरीर के रूप रंग को देख कर अटैच हो गए, या वो शरीर मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है ना, मेरा शिशु है, हम अटैच हो गए। तो अल्टीमेटली इसमें पहचान नहीं है, मैं की समझ नहीं है, और तभी हम मूल्यांकन में चूक करते हैं। उसमें आप पाएंगे एक समय अधिमूल्यन करते हैं, फिर हम उसी संबंध में अवमूल्यन करते हैं, और अवमूल्यन तो साथ साथ चलता ही रहता है। जब अफेक्शन की फीलिंग होती है तो उसके मूल में हमारे उसके चाहना पे आश्वस्ति होती है, उसके हम योग्यता का आकलन कर पाते हैं और उसमें हमारे संबंध में कैसे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करें ताकि हम पूर्ण हो पाए अपने आप में, ज्ञान में, समाधान में, उसके लिए कमिटमेंट बनता है। उस कमिटमेंट का यहाँ अटैचमेंट में कोई स्कोप नहीं है। इनफैक्ट जनरली आप देखेंगे तो अटैचमेंट जिसको कह रहे हैं उसमें तो हम दूसरे से कुछ पाक और सुखी होने में लगे रहते हैं, कोई भाव पाकर या संवेदना पाकर हम सुखी होने में लगे रहते हैं, इसलिए उसमें संबंध में उभय सुख की निश्चितता निरंतरता नहीं होती। जी, ठीक है दीदी। जी जी भैया, थैंक यू। बढ़िया दीदी, तो कार्य का विज्ञान ऐसे ही महत्वपूर्ण है, जो हम यंत्र बना रहे हैं, जो हम सुविधाएं बना रहे हैं, उन सुविधाओं को किस विधि से बना रहे हैं। अभी पेट्रोलियम का रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगा है, कोल का तो लगभग हो ही गया है, अब बैटरी ड्रिवन कार्स की, बैटरी ड्रिवन डिवाइसेस की बात हो रही है। अब उसके लिए जो मिनरल्स चाहिए हमें, लिथियम और इस तरह के मिनरल्स, अब उसकी खोज हो रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे पेट्रोलियम मिलने के बाद कुछ देश बिना अत्यधिक श्रम किए अचानक से साधन संपन्न हो गए, वैसे जिन देशों में लिथियम मिल जाएगा वो इसी प्रकार से आने वाले समय में साधन संपन्न हो जाएंगे। बट किसी देश में लिथियम मिल जाने से उस देश में व्यवस्था बन जाएगी कहना मुश्किल है। अभी भी अफ्रीका कई ऐसे देश हैं जहाँ पे मिनरल्स मिले और बाहर के देशों में जाकर उनका शोषण किया और उनकी दुर्गति हो गई। तो अगर हमको, तो समाज की भी दुर्गति हो जाती है, प्रकृति की तो हो ही जाती है। तो हमको अगर इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाने हैं और हमको ये पता ना हो कि कार क्यों प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, कितनी मात्रा मैन्युफैक्चर करना है, तो हम लिथियम को भी उतना ही ज्यादा निकाल लेंगे कि प्रकृति की व्यवस्था क्षीण हो जाएगी। फिर वहां पे जो लोग रहने वाले हैं उनमें जो जलवायु परिवर्तन होगा उसका दुष्प्रभाव आएगा, है ना। इतना ज्यादा हमने अगर नीचे से माइनिंग कर लिया तो जो ऊपर का टॉप लेयर है सॉइल का, यानी जो क्रस्ट है धरती का, वो टूटने लगेगा, खराब होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कार्य के विज्ञान में ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो कैसे मेरे परिवार में समृद्धि के साथ साथ जो शेष प्रकृति है उसमें भी पूरकता हो, संवर्धन और संरक्षण और सदुपयोग, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और फिर हम लोग भागीदारी पे भी बात करेंगे कि सोसाइटी के सिस्टम से हमारी भागीदारी का विज्ञान क्या हो, 10 स्टेप्स में जो बात हो रही है परिवार की व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार की व्यवस्था तक, उसमें विज्ञान किस प्रकार हो, उस पर बात करेंगे जी। तो विज्ञान का मतलब योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन, फल परिणाम, मूल्यांकन, फिर पुनः नई योजना है ना, उसका फिर उसका मूल्यांकन, फिर कार्यक्रम। जी जी जी, है ना, माइनिंग एक सीमा से अधिक करते जाएंगे तो समस्या बनेगी। प्रकृति के साथ जब हम परस्पर पूरकता को देखते हैं
तो मानव में समृद्धि हो, इसलिए जरूरी दिखाई देता है कि मानव को सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो, कौन सी सुविधा कितनी मात्रा में सुविधा, ये दोनों की पहचान होना जरूरी है, फिर हम उसका उत्पादन करेंगे। हर व्यक्ति उत्पादन करेगा ये जरूरी नहीं है, बट हम उत्पादन भागीदार तो होंगे। तो सुविधा की आवश्यकता अगर पूरी करनी है तो हम उत्पादन भागीदार होते हैं। तो जैसे हम अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं तो हम जो स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उस पूरे उत्पादन चक्र में उसकी एक भागीदारी है। जो ज्ञान पे बात हो रही है वो हमारा व्यवहार है, परंतु जो स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना उसी पूरे कार्य के योजना का एक भाग है। अगर फैक्ट्री में भी होता तो कहीं हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं ना, स्किल सिखाते हैं, तो ये जो स्किल वाला पार्ट है उसको भी हम किस विधि सिखाएं। तो हम उस पूरे उत्पादन चक्र में किसी न किसी रूप में भागीदार होते हैं। अगर हम सीधे सीधे उत्पादन कर रहे हैं, अपने हाथ से काम कर रहे हैं तो भी हम भागीदार हैं, मशीनों से काम कर रहे हैं तो भी भागीदार हैं। तो हमारा जो उस पूरे उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी है उसका विज्ञान किस प्रकार से, और कैसे श्रम को ठीक विधि से किया जाए, श्रम का सम्मान हो, फिर जो हम प्रक्रियाएं प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे चक्रीय हो, साइक्लिक हो, हमने कोल निकाल लिया, मिनरल ऑयल निकाल लिया, लिथियम निकाल लिया, अब वापस तो पहुंचे नहीं अपनी जगह, तो अगर निकाल भी रहे हैं तो उसकी गति किस प्रकार हो, कितना हम निकालना, कितना निकालें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे। ये बार बार बात होती है कि भाई हम धरती को ऐसी दशा में पहुंचाते जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक नहीं रहेगा। अब जब सब हमने धरती को तोड़ फोड़ के खोद खाद के निकाल लिया, प्रयोग कर ले गए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे उपलब्ध होगा, ये तो सोचने का विषय है। और फिर जब निकाल रहे हैं उससे प्रतिस्पर्धा लग जाए तो उसके लिए युद्ध भी होगा। बहुत सारे युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि जो धरती के अंदर दबे हुए तत्व हैं, खनिज लवण हैं, इनके अधिकार के लिए लड़ाई होती है। तो पहली बात तो उसकी उतनी आवश्यकता है कि नहीं, वही निश्चित नहीं हुआ है, फिर उसके लिए हम उस पर अधिकार जमाने के लिए लड़ाई करें, फिर तो हम लड़ाई के लिए जो सुविधाओं का प्रयोग करेंगे इतनी सारा सुविधा उसमें वेस्ट होगा, हो ही रहा भी, फिर उसके लिए हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, जान माल की हानि होगी। तो कैसे हम इस चीज को ठीक से देख पाए ताकि प्रकृति में चक्रियता को केंद्र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, परस्पर पूरकता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को तैयार कर पाए। और आज के दिन भी ये चैलेंज है कि कैसे हमारी उत्पादन प्रक्रिया चक्रीय हो। देखिए भोजन हम रोज ले रहे हैं, बट क्या भोजन चक्रीय प्रक्रिया से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसमें हम कुछ ऐसी चीजें करते जा रहे हैं जो अचक्रीय हो या जो परस्पर पूरक ना हो, मिट्टी हवा पानी के लिए। हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़ा भी किस विधि से बन रहा है, मकान बना रहे हैं, मकान किस विधि से बन रहा है कि नहीं, हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, साधन किस विधि से बन रहे हैं, तो उनकी उत्पादन प्रक्रिया कैसे चक्रीय हो, उत्पादन प्रक्रिया कैसे चक्रीय हो, इस पे ध्यान देना जरूरी है। और इसमें जिन मनुष्यों के साथ जुड़कर हम उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनके साथ न्याय कैसे सुनिश्चित हो। हम क्या अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए अपने को वर्कर्स का, एम्प्लॉयज का शोषण कर रहे हैं, या उनके पोषण का भी हम ध्यान रखते हैं, उनके परिवार की आवश्यकता पूरी हो इसका भी हम ध्यान रखते हैं, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो इतना सारा सुविधा संग्रह भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम न्यायपूर्वक श्रम का मूल्य देना शुरू करेंगे तो इतना सारा सुविधा संग्रह हमारे पास क्यों होगा, कैसे होगा। तो उनके साथ न्याय कैसे सुनिश्चित हो, उभय समृद्धि मनुष्यों के साथ भी कैसे सुनिश्चित हो, फिर जो हमने उत्पादित किया वस्तु का सदुपयोग कैसे हो। अभी ज्यादातर डिवाइसेज ऐसे बनते जा रहे हैं जो यूज एंड थ्रो के जैसे हो गए हैं, अपने मोबाइल 3 साल 4 साल प्रयोग किया और उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा, तो बनाया ही इस विधि से गया है कि आप उसका मरम्मत ना कर पाए कि नहीं। अभी आप घर में एक मिक्सी खरीद के लाइए, आप आएंगे मिक्सी का मोटर तो कहिए 10 साल तक चलता रहे, बट उसके ऊपर का जो अटैचमेंट है, जो कप लगा हुआ है, वो बिगड़ जाता है, उसका जो जहाँ से वो जुड़ता है स्क्रू से और पेंच से, वो बिगड़ जाता है। बट आप उसको रिप्लेस करने जाए तो ठीक से रिप्लेस नहीं होगा, तो मोटर ठीक है बट आपको नया मिक्सी खरीदना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि हम उन चीज़ों को भी बार बार बदल पाए, है ना, कंपनी की तरफ से ही। इसे बहुत सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है, तो हमको बार बार नया मोटर नहीं खरीदना पड़ेगा, बार बार नया उसमें हमको मेटल नहीं यूज करना पड़ेगा, है ना। गाड़ी है, गाड़ी को भी हम किस तरह से ऐसा बनाए कि यूज एंड थ्रो के लायक ना हो जाए, उसको हम प्रयोग करता है भिन्न भिन्न तरीकों से प्रयोग करता है। तो सदुपयोग कैसे बढ़े, भोजन का सदुपयोग कैसे बढ़े। भोजन में भी अगर हम देखें तो
ये बात निकल कर आती है कि अगर सुअर को 13 किलो अनाज खिलाते हैं तो उससे 1 किलो मांस बनता है, फिर उस 1 किलो मांस को एक व्यक्ति खाता है, कि भोजन का दुरुपयोग ही तो हुआ। एक तो अन्याय हुआ, तो गलत हुआ उस पशु के साथ, दूसरा हमने ये अनाज का इतना सारा दुरुपयोग किया नहीं, और उसमें कितने लोगों का पेट भर सकता था। और इस तरह के भोजन को तैयार करने में जितना ऊर्जा कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन होता है, वो भी सब कैलकुलेट किया जाए तो आप पाएंगे कि टोटल लॉस का मुद्दा है। तो सदुपयोग कैसे सुनिश्चित हो, विनिमय कैसे ठीक विधि से हो, है ना, कैसे हम देन देन के भाव से विनिमय करें ताकि मेरी आवश्यकता पूरी हो, अगले की आवश्यकता पूरी हो, कैसे हम जो संचय करें वो सही विधि से हो, तो चीजें बिगड़े नहीं और उतनी मात्रा में रखें जितनी मात्रा में जरूरत है। देखिए पहले क्या था, अगर हमको संचय करना होता था तो जैसे अनाज तैयार हो गया, अनाज को हम लाया घर में रखा। अब अगर आपके घर में 10 बोरी अनाज रखनी हो तो उसके लिए जगह की निश्चित प्रकार से जरूरत है कि इतनी जगह में अनाज 10 बोरी रखा जाएगा। अब वो 10 बोरी की बजाय अगर 100 बोरी अनाज रखना हो तो आदमी कहेगा भाई घर में इतनी जगह नहीं है, कहीं और रख लो, है ना, वो देने की सोचेगा। बट यदि वो अनाज को आप रुपए में बदल दें और अपने को नोट रखने हो घर में, तो उसमें थोड़ा सा ही और जगह चाहिए नोट रखने के लिए। 10 बोरी अनाज के बदले जितना करेंसी नोट्स मिले और 100 बोरी अनाज के बदले जितना करेंसी नोट्स मिले, उसके अगर वॉल्यूम को देखें तो थोड़ा सा ही अंतर है उसमें, तो आदमी फिर भी सोचेगा कि इसको रख सकते हैं। अब अगर खाली नंबर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, खाली नंबर होना, आपके मोबाइल में एक नंबर भर जाएगा आगे, 1 0 भर जाएगा, अब उसको स्टोर करने में आदमी कोई सीमा ही नहीं दिखाई देती कि कभी इसकी कोई सीमा होगी। तो जितने 0 लगाना है मोबाइल में लगाते जाइए, नंबर तो है ना अनलिमिटेड बढ़ सकते हैं इसमें। तो स्टोरेज अगर हम सुविधा के टर्म्स में सीधे सीधे कर रहे हैं तो उसकी सीमा जल्दी दिखाई देती है, उसको हमने प्रतीक मुद्रा में बदल दिया, कम दिखाई देती है फिर भी एक सीमा दिखाई देती है। घर में अगर आपको नोट ही स्टोर करना हो तो फिर भी एक जगह चाहिए, बट यदि मोबाइल में खाली नंबर स्टोर करने हो आपके अकाउंट में, उसकी कोई सीमा नहीं दिखाई देती। तो जो स्टोरेज भी हम कर रहे हैं उसका विज्ञान कैसे निश्चित हो, किस रूप में हो, है ना। अभी एक्सचेंज पे हम ठीक से नहीं काम कर रहे तो एक्सचेंज एक जुए की तरह हो गया है, ना, स्टोरेज भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, स्टोरेज भी एक जुए की तरह हो गया है। तो इन सब पे हमको विज्ञान पे ठीक से काम करने की जरूरत है, है ना। तो मानव में समृद्धि को सुनिश्चित करने का भी पूरा एक विज्ञान है, वैसे शेष प्रकृति को भी संवर्धित करने का, संरक्षित करने का, सदुपयोग करने का पूरा एक विज्ञान है, उन सब पे बात करनी जरूरी है। बात ठीक है, ये जितनी बात अभी हम लोगों ने की उतनी बात ठीक है, मानव की समृद्धि को लेकर, एक्सचेंज को लेकर, स्टोरेज को लेकर, इन सब पे ध्यान देंगे तो काफी कुछ स्कोप मिलेगा। तो मानव लक्ष्य को देखते हैं, जो हम लोगों ने पहला मॉडल देखा था, तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व इस रूप में लक्ष्य दिखाई देता है। इसको पूरा करने जाते हैं तो 5 आयाम दिखाई देते हैं। उसमें जो समृद्धि का लक्ष्य है कि हर परिवार में समृद्धि हो, तो मूल में तो शिक्षा होगी ताकि सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो, उसके साथ हम शरीर के साथ कैसे संयम पूर्वक जिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो अगर हम संयम पूर्वक जीते हैं तो हमारी सुविधा की आवश्यकता धीरे धीरे और कम होती जाती है। अगर हम सही आहार ले रहे हैं, सही विहार ले रहे हैं, कर रहे हैं, सही ढंग से सोना जागना उठना कर रहे हैं और श्रम भी कर रहे हैं, फिर आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो इन सब के साथ पाएंगे कि शरीर नेचुरली हेल्दी रहता है। अब इन सब में अगर हम विकृति ला दें, गलत आहार लें, ठीक ढंग से हमारा सोना जागना, टलना फिरना ना हो, है ना, श्रम ना करें, आसन प्राणायाम भी ना करें, तो फिर हमारी सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ने लगती है और अभी बढ़ भी रही है ना। इतने सारे जो कृत्रिम तरीके हम बना रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारा जीना ठीक नहीं है। और इस कृत्रिम तरीके से हटकर अगर आप संयम के भाव के साथ निर्वाह करने जाएं तो आपकी सुविधा की आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है। अगर आपको हर दिन 10,000 स्टेप्स चलने हैं, इतना चलने के लिए आपको इतना समय लगाना पड़ेगा और जहां जरूरी आप पहुंच जाएंगे काफी जगहों पे, आप घर के आसपास मार्केट पहुंच जाएंगे टहलते हुए, है ना, किसे मिलने जाना है पहुंच जाएंगे टहलते हुए, तो आपको कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुविधा की आवश्यकता ऐसी कम हो गई। तो संयम के भाव के साथ जो आपको चलना फिरना जरूरी है, जो शरीर से पसीना निकाल कर श्रम करना जरूरी है, उसके लिए मशीनों की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो एक तो महत्वपूर्ण भाग ये है कि संयम पे अगर ठीक से काम हो, स्वास्थ्य की समझ हो, तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो पाती है।
जिससे हम उत्पादन करने जाते हैं तो उत्पादन ज्यादा अच्छी विधि से कर पाते हैं, जहाँ हमारे शरीर का श्रम ही काम आ सकता है वहाँ उसके लिए हमको नई सुविधा क्यों लानी है। तो हम एक बार तो जिम में जाकर 2 घंटा मेहनत करेंगे, फिर घर आकर कहेंगे अलेक्सा स्विच ऑन द टीवी, है ना, इसकी क्या जरूरत है। तो अगर हम, है ना, इस विधि से देखें तो उत्पादन की भी प्रक्रिया किस प्रकार हो उसको ठीक से तय कर सकते हैं, कार्य का पद्धति कैसा हो उसको ठीक से तय कर सकते हैं। तो कार्य का मतलब है कि जो शेष प्रकृति पे हम श्रम करते हैं उसको कार्य कहा, और उससे जो वस्तु प्राप्त होती है उसको हमने उत्पादन कहा। तो कार्य से ही प्राप्त होगा, है ना। तो उत्पादन मतलब जो वस्तु प्राप्ति, अब जो हम शेष प्रकृति पे कर रहे हैं उसके साथ बहुत सारा डायमेंशन जुड़ जाएगा कार्य को, अगर हम देखें, है ना, बृहद फैला कर हम देखें तो बहुत सारा उसमें डायमेंशन और जुड़ता है, उसका हम प्रबंधन भी करते हैं, उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। तो एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें यह है कि क्या उत्पादन करना है। तो अभी जितनी बात हुई तो हम सुविधा की आवश्यकता को ठीक से तय करेंगे क्या उत्पादन करना है, कुछ भी उत्पादन करना है ऐसा नहीं है, है ना। मशीनें भी बनानी है तो कौन सी मशीनें बनानी है, अभी ये लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद को ध्यान में रखते हैं, हम बहुत सारे ऐसी सुविधाएं बना रहे हैं इसकी आवश्यकता ही ना हो, इतने महंगे महंगे हमने होटल बनाए हैं उसमें इतनी सारी सुविधाएं दी है, ठीक, ताकि जिन्होंने ज्यादा संग्रह कर लिया है उस संग्रह के अनुरूप खर्च करने का सुविधा हो उसमें। तो संग्रह हमने किया शोषण करके, उसका अपना भी शोषण किया, संबंधी का भी शोषण किया, प्रकृति का भी शोषण किया, फिर हम इतने ज्यादा महंगे होटल में जाके रह रहे हैं, वहां जितनी सुविधाएं दे रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है कि नहीं। तो हमें क्या उत्पादन करना है, भोजन के अर्थ में, आवास के अर्थ में, वस्त्र के अर्थ में, साधनों के अर्थ में। तो जो हमारे शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में हो, तो शरीर के पोषण के अर्थ में क्या है इसको ठीक से तय करेंगे। ये पोषण का भी अपना पूरा विज्ञान है, आयुर्वेद को पढ़ें आप तो आप पाएंगे कि पोषण के बारे में भी पूरा उसका एक विज्ञान है, कब क्या खाएं कैसे खाएं, है ना, तो पूरा एक विज्ञान है, उसका अध्ययन करेंगे। वैसे संरक्षण का पूरा एक विज्ञान है कि शरीर का संरक्षण कैसे सही विधि से हो, इस सावन का महीना चल रहा है इसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, इसलिए आप आयुर्वेद में देखें तो बहुत सारा सूचना मिलता है कि ऐसे करें, है ना, ये खाएं ये ना खाएं। उत्पादन भी कर रहे हैं तो कब क्या उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें जो शरीर के पोषण के अर्थ में हो, संरक्षण के अर्थ में, और सदुपयोग तो मूल में है कि जब शरीर का सदुपयोग समझ में आएगा तब तो इनका हम ठीक से प्रयोग भी कर पाएंगे, नहीं तो अगर हमको शरीर का सदुपयोग ही ना समझ में आए, हमने एक लंबी शरीर यात्रा जी ली बट सेल्फ के रूप में हमारा कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो पूरा टाइम तो हमने वेस्ट किया फिर तो, कि नहीं। तो उत्पादन करने जाएंगे तो इतनी बारीकी से देखेंगे चीजों को, फिर कैसे उत्पादन करना है, तो जो भी प्रक्रियाएं हो वो म्यूचुअली एनरिचिंग हो, हमारे शरीर को भी स्वस्थ करे, हमारी आवश्यकता को भी पूरा करे और प्रकृति को भी समृद्ध करे, प्रकृति को भी बेहतर बनाए, चक्रीय प्रक्रिया हो ताकि हर इकाई, तो हम जहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना, जहाँ हम मशीनें लगा रहे हैं, वहां हमको देखना होगा प्रकृति की चारों अवस्थाएं पूरक हो रही है कि नहीं, उसके लिए हमारी प्रक्रियाएं समृद्ध हो रही है कि नहीं। वैसे ही न्याय सुनिश्चित हो मानव के साथ, जिनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। अब आप पाएंगे कि बातें हम लोग कह रहे हैं सार रूप में, बातें तो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल होती हैं, जब हम जीने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा प्रश्न खड़ा होता है कि अभी जैसा सोसाइटी का तंत्र बना हुआ है, जैसे लोगों के समझ की स्थिति है ना, जिस तरह सुविधा को वरीयता हो गई है हर जगह, अब उसमें ये सब करने जाए तो पता चला कि हम उत्पादन ही नहीं कर पा रहे, तो वहीं पे विज्ञान पे काम करना होता है कि अल्टीमेटली अगर मुझे इस विधि से काम करना है तो मानव के साथ तो मूल रूप से काम करना ही पड़ेगा, तभी ये काम सफल हो पाएगा, तभी हमारा उत्पादन प्रक्रिया सफल हो पाएगा। मानव को छोड़कर अगर हमने कर भी लिया तो उसमें क्या उपलब्धि है। तो हर जगह आप पाएंगे कि एसेंशियली सेल्फ के डेवलपमेंट पे काम करना जरूरी है। तो हम अगर उत्पादन तंत्र भी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए जरूरी होगा कि हम उन सब लोगों के साथ वर्कशॉप करें ताकि उनको सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो, नहीं तो अगर उनके अंदर उन्माद है ना और वो उन्माद को पूरा करने के लिए हमारे उत्पादन तंत्र में जुड़े हैं तो हम कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो पीपल फ्रेंडली कैसे हो, इको फ्रेंडली कैसे हो? भैया आपने जैसे अभी कहा कि सावन का महीना चल रहा है, कैसे क्या खाना है, तो मेरे एक प्रश्न उठा कि साइंटिफिकली देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा हमारा है वैसे ही जानवरों का भी सिस्टम है, तो हमारे लिए तो है कि हम क्या खाएं इस चीज पर ध्यान दें,
लेकिन क्या उनकी ऐसी व्यवस्था है कि उनके लिए कोई ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं है? देखिए उनका जो जीना है ना वो शरीर सापेक्ष है, तो ऑलरेडी जो उनके अंदर उनका जो पहचाना निर्वाह करना है सुविधाओं के लिए यानी भोजन के लिए आदि, वो आप पाएंगे कि शरीर की व्यवस्था के आधार पर खुद ही तय हो जाता है। तो हमारे यहाँ मतलब कि हमारे में जानने की क्षमता है, अगर मानव की बात करें जानने की क्षमता है, जानने की संभावना है, हमने जानने का पूरा नहीं किया, इसलिए हमारे मानने में बहुत सारा वेरिएशन और अनिश्चितता बन जाता है। पशुओं के साथ ऐसा नहीं है, पशुओं के साथ देखें कि उनका जो खाना पीना है वो सारा वंश से तय हो जाता है उनका। अगर आप जैसे एक दो बार एग्जाम्पल्स लेके अगर आप थोड़ा बंदरों को ऑब्जर्व करें, उनके आप दिनचर्या को देखें, तो शाम ढलते ही सो जाएंगे, है ना, सुबह पाव फटते उठ के उछल कूद मचाना शुरू करेंगे, और पहले खूब उछल कूद मचाएंगे जो उनका विहार चल रहा है ना, जैसे हम लोग सुबह टहलते फिरते हैं तो खूब उछल कूद मचाएंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ खाएंगे। और जो भोजन का सिलेक्शन होगा क्योंकि शरीर से मिलने वाली संवेदना से ही तय हो रहा है, वो निश्चित रहता है, इतना नहीं खा लेंगे खा के उल्टी हो जाए, ठीक, कुछ ऐसी चीज नहीं खा लेंगे जिसे खा के नशा हो जाए, वो मनुष्य कर सकता है, वो नहीं करेंगे। तो पशुओं में देखें तो शरीर सापेक्ष जीना है, ये सब चीजों का जो चयन है वो शरीर से ही तय हो जाता है, शरीर की बनावट से तय हो जाता है। मानव के साथ क्या है, मानव का जो जीना है वंश के आधार पर नहीं है, शिक्षा संस्कार से तय होता है। तो अगर सही शिक्षा नहीं मिली, सही संस्कार नहीं बने, तो उल्टा पुल्टा जीना होता रहता है। शुक्रिया भैया जी। भैया बढ़िया दीदी, तो दो मुद्दे महत्वपूर्ण है इसमें, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना करना है, वो भी यहीं से तय हो जाता है। अगर क्या को हम और विस्तार करें तो कितना करना है, कब करना है, ये सब भी तय हो जाता है। तो अगर हम कैसे करना है इसको देखिए, तो इतना क्या आवर्तनशील प्रक्रिया हो, आवर्तनशीलता का मतलब दो चीजें हैं, एक तो उत्पादन प्रक्रिया चक्रीय हो और दूसरे कि इसमें हर इकाई समृद्ध हो। जैसे अगर हम मिट्टी हवा पानी व पेड़ पौधे से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं, हम फलों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अनाज की खेती कर रहे हैं इत्यादि, है ना, तो हम देखेंगे कैसे मिट्टी हवा पानी पहले से बेहतर बने, तो क्यों ना ऐसा एक पूरा उत्पादन का चक्र बनाया जाए, ठीक, ऐसा नहीं कि हमने खाली मिट्टी से कुछ लिया और खाकर अपना पेट भर लिया, मिट्टी कैसे एनरिच हो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे एनरिच हो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। तो जैसे एक साथी हैं, मतलब एक व्यक्ति हुए हैं जापान में, फुकुओका नाम के, उनकी एक पुस्तक भी है वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन, अभी नहीं रहे, वो अपने खेती की पद्धति को कहते थे डू नथिंग फार्मिंग, और वो खेती इस विधि से करते थे कि उनको बस खेत की व्यवस्था को बनाए रखना है, बाकी खेत आवश्यकता स्वयं पूरी करता रहता है। तो खेत को उन्होंने, है ना, ऐसा मेड़ बना दिया कि खेत में जो पानी गिरे तो पानी कहीं खेत से बाहर ना जाए, जो खेत से लिया जितना हमारे प्रयोग का था उसको प्रयोग किया, बाकी सब कुछ वापस खेत में डाल दिया, खेत में बाहर से कुछ भी ऐसा नमक या इस तरह की चीजें नहीं डाली जिससे वहाँ पे केंचुए और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान हो। तो बताते हैं कि उनकी जो खेत की फसल है वो 2.5 गुना होती थी बाकी खेतों के मुकाबले, और उसको नाम दिया डू नथिंग फार्मिंग। ये एक उदाहरण है, ऐसे ही आप देखें तो फार्मिंग को लेकर बहुत सारे और पद्धतियां हैं जो विकसित हुई हैं, उसको ठीक से स्टडी करेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि कैसे ये सफल हो सकता है। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, हमारे देश में सिक्किम में एक राज्य है जहाँ पे वो 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है, ठीक है ना, तो निश्चित बात है कि उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्पादन पद्धतियों को बनाया है और सफल हो सकता है। तो कैसे पेड़ पौधे इस विधि से उगे कि, है ना, मिट्टी हवा पानी एनरिच हो, और मिट्टी हवा पानी की स्थिति ऐसे कैसे बनी रहे कि पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे ढंग से उगे, ये खेती बाड़ी की बात है। वैसे अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो भी वहां देख सकते हैं कैसे ये पूरा हो। ऐसे अगर हम कोई यंत्र बना रहे हैं तो यंत्र में इस बात को देखेंगे कि जिस गति से कोई चीज वापस प्रकृति में जाती है, ज्यादा गति से हम प्रकृति में छोड़े नहीं, नहीं तो पॉल्यूशन होगा, और जिस गति से कोई चीज धरती में बन रही है उससे ज्यादा तेज गति से हम निकाले नहीं, नहीं तो रिसोर्स डिप्लीशन होगा, तो अल्टीमेटली हम ही सफर करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं इस चक्र को, तो ऑलरेडी इस प्रकृति में चक्र बना हुआ है, हमें इसको बनाना नहीं है, हमें सिर्फ इसको समझना है, इसके अनुसार जीना है।
और जो अभी हमने कृत्रिम बहुत सारी पद्धतियां बनाई हैं उसको अपडेट करना है ताकि ये पूरा हो पाए। सर हर आपको इतनी नॉलेज है, हर चीज को आपने जीकर देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतनी नॉलेज कि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, और उस दिन आपसे जब शाम को बात हुई तो आप कहने लगे मेरे को घर का काम करना है। मेरे को अच्छा सर घर का काम भी करते हैं, तो इसका मतलब खेती, जानवरों को देखना, उनको पहचान करना, मानना, जानना, हर चीज आपको सर इतनी नॉलेज है, वाकई में सर तारीफ काबिल है सर आपकी। बढ़िया जी, वैसे मैं इन दिनों खेती नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ खेती करने का एक्सपोजर है अपने पास, पशुपालन का भी एक्सपोजर है, तो जो कानपुर में अपना केंद्र है वहाँ रखकर हमने किया है, तो उसकी जानकारी भी थोड़ी रखता हूँ। बढ़िया, उससे घर का काम भी करते हैं। जी जी घर का काम तो करते ही हैं। तो सर आपने कहा बस बस मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, अब मेरे को घर का काम करना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहा सर घर का काम भी करते हैं, वाह हम लोगों को तो बहुत तो सीखना पड़ेगा सर आपसे। बढ़िया दीदी, सर आपने जब अभी कहा ना हम आते ही बैठते ही योगा करके और एक्सरसाइज करके कहते हैं अलास्का, जरा स्विच ऑन करना, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इतने मीन हो गए हैं कि कहीं ना कहीं सुख सुविधा को हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं पर भी, सोचते तो हैं कि हाँ हमारा दिमाग में सिर्फ सुख सुविधा में ही घूमता रहता है, इस चीज का सुख मिल जाए। हाँ बिल्कुल सर, ये तो मैंने अपने आप को 6 महीने में देख लिया, हर टाइम सुख मांगते हैं अपना जो मैं, हमने उसको इस तरीके से ढाल लिया है कि हम लोग सिर्फ सुख ही मांग चाहते हैं। हैप्पीनेस शांति थी तो बात अभी थोड़ी सी दूर है, पर उस सुख के चक्कर में हम दूसरे के साथ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अरे मेरे को ये चाहिए था, मेरे को इतना सुख चाहिए, मैं सारा दिन काम कर, हम उसमें हंकार में भी आ रहे हो, हम अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे उस चीज में, और फिर हम मानते भी नहीं है, फिर हम अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, हाँ मैं ही ऊंचा हूँ, मेरे मेरा कहना मानना चाहिए घर में सबको, ये है वो सर, ये चीजें तो वाकई में 6 महीने में आप लोग, 3 महीने में तो आपने सिखा दी, 3 महीने पहले से तो हमारी गति नहीं, फेस टू फेस में इतनी गति नहीं बनी थी सर। जी बहुत बढ़िया दीदी, इसमें हम गति को पहचान पा रहे हैं। जी जी बढ़िया, ये एक अच्छा अवसर तुम्हें मिला है कि हम लोग हर दिन 1 घंटा सुबह जांच पर रख के लिए समय लगा पा रहे हैं, इससे हम सबकी गति बन रही है। जी 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 सर, बहुत ही बढ़िया दीदी। अभी भैया बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग एक चक्र में प्रकृति के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं बस थोड़ा सा बताना चाह रही थी, शेयरिंग करनी चाह रही थी कि हमारे यहाँ मतलब 5-6 मवेशी हैं, तो उनका जो गोबर है तो उनको हम लोग गोबर गैस में डाल करके के तो उसी से हम लोगों का खाना बन जाता है। तो गैस सिलेंडर सिर्फ साल में 1 या 2 वैसे वैसे लगता था, और अभी भी उस तरह से, और वो इमरजेंसी के लिए कि कभी कुछ और व्यवस्था अगर करनी हुई या कहीं और खाना बनाना हुआ तो वैसे में हो जाता है। और वो जो उसका स्लरी निकलता है गोबर गैस का, तो उसको फिर खेतों में या फिर अपने पेड़ पौधे सब्जियों में जो है वो बहुत फायदेमंद, अगर गुलाब के फूल में डालें तो वो बहुत ही एकदम बड़े बड़े फूल निकलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो सारी चीजें जो है यूज हो जाती हैं, मतलब खाना भी बन गया और उसका जो बाय प्रोडक्ट निकला वो भी हमने फिर दोबारा यूज कर लिया या फिर तालाबों में डाल दिया। तो ये जो है चक्र अनुसार जो है जब हम प्रकृति के साथ अपने जीने में उसको सही वो देख पाते हैं, तो हर एक इकाई की अपनी उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं योगदान हो जाती है। मवेशी जो है अगर जैसे खेती कर रहे हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट जो स्ट्रॉ होता है तो उसको उनके खाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल हो जाता है। अब आज के युग में हो क्या गया है कि अधिकांश लोग जो हैं वो हाथ से नहीं काटना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो हार्वेस्टर तो बहुत उपयोगी तो है,
लेकिन वो खेत में जब पुआल को छोड़ देता है तो अधिकांश लोग ने उसको पुआली के रूप में, वो पराली के रूप में जलाना शुरू कर दिया। अब उससे फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो चारा है मवेशियों के लिए वो कम पड़ने लगा, तो फिर चारे के दाम बढ़ गए। नहीं तो पहले तो ये पूरी व्यवस्था में ये एक चक्रानुसार किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उसी पूरी व्यवस्था में वो सब एक दूसरे के पूरक भी होते थे और सहयोगी भी होते थे। और तो अब किसी ने अगर मवेशी नहीं रखा है तो उसको लगता है कि ये पुआल तो मेरे लिए बेकार ही है। तो ये जो चीज है समझने की बात है कि जब हम लोग यूज करते हैं, भैया एक तो ये चीज कहना था और एक चीज और कहना था कि प्रकृति के दोहन में हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में ऐसी ऐसी चीजें शुमार कर ली हैं, जैसे कि पानी जो है, हम पानी का ये जो बॉटल्ड वाटर यूज कर रहे हैं, पहले की व्यवस्था में हैंडपंप से हम लोग अपना काम चला लेते थे, जितनी आवश्यकता थी उतनी लेते थे। अब क्या है कि जो बॉटल्ड वाटर का प्रचलन प्रोग्राम में, फंक्शन में, शादियों में, वो जितना पानी पीते नहीं है उस बॉटल को बनाने में उससे कहीं ज्यादा पानी लग जाता है, और अंततः वो बॉटल फिर वेस्ट के रूप में ही वो कचड़े में, फिर समझ में नहीं आता कि उसका क्या करें। तो ये जो सिस्टम है ये एकदम माइंडफुल और बहुत अच्छा लगता है लोगों को। शादी में एक बॉटल थमा दिया इधर, एक बॉटल उसका, फिर बॉटल का होना क्या है इस पे बिल्कुल विचार नहीं होता, जो कि कभी कभी बहुत तकलीफ लगती है। अपने तहत जो भी कुछ करना होता है कोशिश तो आदमी करता है, लेकिन ये जीने में जब तक आएगा नहीं तब तक बहुत मुश्किल है। भैया धन्यवाद, बहुत ही बात बोल रही हूँ, इधर भी सुनने का ही काम कर रही थी लेकिन फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा ये शेयरिंग तो कर ही दूं। धन्यवाद, बढ़िया दीदी। तो 24 तारीख से हमारी सेल्फ इवैल्यूएशन शेयरिंग शुरू हो रही है, तो इसके लिए हम सभी अपना नाम दे सकते हैं, अपना नाम और आप किस लैंग्वेज में इस शेयरिंग को करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और आपके लिए जो सुटेबल डेट है वो डेट आप इस चैट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये लिस्ट हम लोग डेली अपडेट करते जाएंगे। तो 24 तारीख से शेयरिंग शुरू हो रही है, हम सभी को लगभग 20 मिनट मिलेंगे और शेयरिंग के जो पॉइंट्स है वो भी हम कल या परसों में उसकी भी स्लाइड हम लोग ग्रुप में पुट अप करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वो कृपया अपना नाम दे दें। उसी तरह से आज बुधवार है तो स्टूडेंट का जो SIP का जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है, मतलब यूट्यूब में, तो वो भी 7:30 से 8:30 बजे तक का जो सेशन है तो उसकी भी लिंक चैट बॉक्स में है, तो उसे भी जो साथी अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। जी भैया रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। आज हम लोग ये जो बातें आज हुई उस पर थोड़ा सा और हम कल्पनाशीलता फैलाएं और देखें कि हमारे जीने से कैसे जुड़ी हैं बातें। जी सभी को नमस्ते।